कोलकाता रेप केस को लेकर ममता सरकार डॉक्टर और छात्रों से लेकर विपक्षी पार्टी के विरोध का सामना कर रही है। इस बीच नबन्ना प्रोटेस्ट के बाद भाजपा ने आज यानी 28 अगस्त के लिए बंगाल बंद का आह्वान किया, तो ममता सरकार ने भी अल्टीमेटम दे दिया कि कोई बंद नहीं होगा, सबको दफ्तर आना होगा। इसे लेकर बंगाल के कर्मचारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि 27 तारीख को आयोजित नबन्ना प्रोटेस्ट को लेकर भी टीएमसी ने इसे भाजपा की साजिश बताया था। हालांकि सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें बंगाल बंद कुछ ही जगहों पर नजर आ रहा है, बाकी जगहों पर इसका असर ना के बराबर है। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने राज्य सरकार के विरोध में भाजपा द्वारा बुलाए गए इस 12 घंटे के बंगाल बंद की समीक्षा की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ और जगहों पर बंगाल बंद का असर ट्रेनों पर पड़ा है। एक यूजर ने रेलवे स्टेशन का वीडियो शेयर कर कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा द्वारा बुलाया गया 12 घंटे का बंद शुरू हो चुका है। 27 अगस्त को नबन्ना अभियान के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में राज्य में सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। बता दें कि भाजपा ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी की है। इसके बाद छात्रों के कल के प्रोटेस्ट में पुलिस ने जिस तरह से उन्हें रोका, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, उसे लेकर यह बंद बुलाया गया है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, हम आम हड़ताल का आह्वान करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि ये निरंकुश शासन लोगों की आवाज मृत डॉक्टर बहन के लिए न्याय की मांग को अनसुना कर रहा है। न्याय के बजाय ममता बनर्जी की पुलिस राज्य के शांति प्रिय लोगों पर हमला कर रही है, जो सिर्फ महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण चाहते हैं। बंगाल बंद के आह्वान के समर्थन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक पोस्ट में लिखा, कोलकाता से पुलिस की मनमानी की तस्वीरों ने हर उस व्यक्ति को नाराज कर दिया जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को महत्व देता है। लेकिन दूसरी ओर ममता सरकार ने इससे निपटने के लिए कर्मचारियों को सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सचिवालय नबन्ना ने जारी की अधिसूचना में कहा कि यह निर्णय लिया गया कि 28 अगस्त को पहली या दूसरी पाली में किसी कर्मचारी को कोई आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जाएगा, ना ही पूरे दिन के लिए किसी की छुट्टी स्वीकार की जाएगी। जो कर्मचारी 27 अगस्त 2024 को छुट्टी पर थे, उन्हें 28 अगस्त 2024 को ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि 28 अगस्त को कर्मचारियों की अनुपस्थिति को डाइस नॉन यानी जानबूझकर की गई छुट्टी माना जाएगा और उस दिन का वेतन भी कटेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।